बसमरिम अल्लाक माय वेरी डियर स्टूडेंट्स इन टूडेज़ वीडियो आई विल टेल यू सम फ्रेजल वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स एंड दे आर फ्रॉम द वर्ड लुक ठीक है लुक के साथ जो फ्रेजल वर्ब बनते हैं uh, वो हम आज करेंगे बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में लुक वाले जो हैं अक्सर आते हैं इस दफ़ा भी पेपर में आया था लुक बैक ठीक है स्टूडेंट्स ने लुक बैक को लिटरल सेंस में लिख दिया था कि जैसे वाकई पीछे मुड़ के देखना बट दैट लुक बैक वॉज यूज एज अ लुक बैक मीन्स पास्ट में देखना ठीक है वो उस सेंस में फ्रेजल वर्ब था सो हेयर आर सम मोर फ्रेज़ल वर्ब्स यूजिंग द वर्ब लुक सो द फर्स्ट फ्रेजल वर्ब ऑफ द डे इज लुक एट लुक एट मीन्स एग्जामिन समथिंग ठीक है मुआना करना लुक एट मीन्स एग्जामिन समथिंग मुआना करना आई विल हैव अ लुक एट योर वॉच लेटर आई थिंक इट नीड्स अ न्यू बैटरी ठीक है मैं तुम्हारी जो वॉच है उसका बाद में मुआयना करूँगा एग्जामिन करूंगा देखूँगा वट इज़ रॉन्ग विद दैट और फिर उसके बाद आई थिंक मेरा ख्याल है कि इसको एक नई बैटरी की ज़रूरत है नेक्स्ट इज लुक ऑन दिस इज़ लुक ऑन वॉच एन इवेंट बट नाट पार्टिसिपेट ठीक है किसी भी इवेंट को देखना यानि कोई मैच हो रहा है या कोई तकरीब हो रही है उसको आप देखते हैं लेकिन बट यू आर नाट द पार्टिसिपेंट आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे द पेरेंट्स लुकड ऑन वाइल्ड दियर चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल इन द पार्क जो पेरेंट्स थे वो बच्चों को देख रहे थे हम बट द किड्स वर प्लेंग इन द पार्क

जनीीन हेज़ ऑलवेज लुकड अप टू हर मदर हु इज़ द मेयर ऑफ देयर टाउन तो वो जो है जहरी बात है कोई समवन वन हु इज़ डूइंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डनरी समथिंग अनयूजअल तो फिर उसको एडमायर किया जाता है उसको सराहा जाता है ठीक है नेक्स्ट जो है वो लुक डाउन ऑन लुक डाउन ऑन मीन्स थिंक दैट साम इज़ लेस इम्पॉर्टेंट लोक डाउन अप भी होता है हकीर समझना लोक डाउन ऑन का मतलब यही होता है लोक डाउन ऑन मीन्स थिंक दैट सामबन इज़ लेस इम्पॉर्टेंट किसी शख्स को कमतर समझना आई डोंट लाइक द वेस्ट दोज गर्ल्स लुक डाउन ऑन आस्त जस्ट बिकॉज आर क्लॉथ्स आर ओल्ड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है उन लड़कियों का जो हमें ऐसे हकीर अंदाज से देखती हैं क्यूं? क्यों क्योंकि हमारे कपड़े पुराने हैं सो लुक आफ्टर नेक्स्ट इज़ लुक आफ्टर लुक आफ्टर मीन्स टेक केयर ऑफ समन किसी का ख्याल रखना डेनिस लाइक्स टू लुक आफ्टर हिज ग्रैंड मा एंड विजिट्स हर एवरीडे डेनिस जो है वो अपनी जो दादी जान हैं उनका ख्याल रखता है और उन्हें हर रोज़ मिलने जाता है लुक अराउंड लुक अराउंड मीन्स लुक इन डिफरेंट प्लेस मुख्तु जगहों पे देखना वी प्लान टू लुक अराउंड द म्यूज़ियम वेन वी विजिट ऑक्सफोर्ड ठीक है जैसे आप भी म्यूज़ियम में या कहीं पे किसी जगह पे जाते हैं एंड यू वॉन्ट टू सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लेस तो आप कहेंगे लुक अराउंड ठीक है फिर नेक्स्ट है जी लुक फॉर लुक फॉर मीन्स सर्च फॉर साम वन और समथिंग किसी चीज़ को या किसी शख्स को तलाश करना आई एम लुकिंग फॉर टेड हैव यू सीन हिम एनी वेयर मैं किस को तलाश कर रहा हूँ टेड को क्या आपने उसे कहीं देखा है फिर नेक्स्ट है जी लुक आ हेड नेक्स्ट इज लुक आड लुक आ हेड का मतलब होता है थिंक एंड प्लान फॉर अ फ्यूचर इवेंट आप सोच रहे हों या प्लान कर रही हूँ जो फ्यूचर में कोई इवेंट होने वाला है उसके बारे में इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू लुक आड टू नो द फ्यूचर ट्रेंड्स ये बड़ा अच्छा है कि आपको पता हो कि फ्यूचर ट्रेंड्स ट्रेंड्स क्या हैं क्या मतलब फैशन में है क्या कुछ और है कैसे फंक्शन को या इवेंट को जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है सो यू लुक अहेड थिंक एंड प्लान देन लुक फॉरवर्ड टू लुक फॉरवर्ड टू होते हैं फील एक्साइटेड अबाउट फ्यूचर इवेंट बहुत एक्साइटेड फील कर रही हूँ लुक फॉरवर्ड टू एक्साइटेड फील कर रही हूँ किसी के लिए फ्यूचर इवेंट के लिए uh, किसी से मिलने के लिए या समथिंग लाइक दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर बर्थडे पार्टी एट द वीकेंड में आपकी uh, जो है आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट योर बर्थडे पार्टी एट द वीकेंड सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच कीप लर्निंग कीप इम्प्रूविंग एंड कीप शेयरिंग ठीक है शेयरिंग इज़ केयरिंग स्प्रेड दिस नॉलेज ठीक है इसको बढ़ाएँ फिलें जितने अपनी फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करें सो दिस इज़ इन फैक्ट दिस इज़ द नीड ऑफ द डे ओके जी थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफेज हैवे अ गुड डे